रियो ओलंपिक में खेल मंत्री विजय गोयल बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। रियो ओलंपिक प्रशासन ने विजय गोयल का मान्यता कार्ड रद्द करने की चेतावनी दी है। ओलंपिक आयोजकों ने कहा है कि अगर उनके साथ गए लोगों ने अपना असभ्य व्यवहार बंद नहीं किया तो उनका मान्यता कार्ड रद्द किया जा सकता है। ओलंपिक समिति की प्रबंधक सारा पीटरसन ने भारतीय दल प्रमुख राकेश गुप्ता को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि हमें आपके खेल मंत्री की कई रिपोर्ट मिली है कि वो अपने सहयोगियों को उन स्थलों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास मान्यता कार्ड नहीं है। जब स्टाफ ने उन्हें रोका तो मंत्री के साथ लोगों ने आक्रामक और असभ्य व्यवहार करना शुरू कर दिया और हमारे स्टाफ को धक्का देने की कोशिश भी की गई। गोयल यहां भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा वह खेल गांव में उनकी ज़रूरतों की भी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। पिछले चेतावनियों के बावजूद आज भी इसी तरह की घटना हुई। सारा ने कहा कि मंत्री का मान्यता कार्ड इसकी वजह से रद्द किया जा सकता है। एक तरफ विजय गोयल और उनके दल पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, वहीं गोयल ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। देखते रहिए जीबी लाइव।